जय श्री बालाजी। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सपीरा में। मैं बजरंग बाबा आज आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त राशिफल 2023 मेष राशि वालों के लिए। ग्रह स्थिति अगस्त 2023 में सूर्य कर्क राशि का चतुर्थ भाव में, मंगल बुध शुक्र सिंह राशि, ग्रह स्थिति मासारंभ में राहु बृहस्पति मेष राशि का, लगन राशि का पंचम भाव में केतु, तुला राशि का सप्तम भाव में चंद्रमा, मकर राशि का दशम भाव में शनि, कुंभ राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। 1 अगस्त और 2 अगस्त को मान प्रतिष्ठा वर्धक दिवस है। आप इस समय घर के जरूरी कार्य निपटाएंगे। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, कार्य करने में रुचि दिखाएंगे। 3 और 4 को समय अति उत्तम रहेगा। नौकरी में आपको आगे बढ़ने के अवसर सुलभ होंगे। संतान की गतिविधियां आपको आकर्षित करेंगी, उनके किसी काम को आप प्योरिटी के साथ पूरा करेंगे। ऑफिस में आपके सहकर्मी आपके साथ रहेंगे, वह आपकी पूरी मदद भी करेंगे। दिनांक 3 और 4 को समय लाभकारी रहेगा। लाभ की स्थितियां अचानक बनेंगी, आप कहीं बाहर जा सकते हैं। कार्य को शानदार नतीजा प्राप्त होगा। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें आत्मीय रूप से संभाल देगा। 5 और 6 तारीख को समय हानिकारक रहेगा, कुछ अच्छा करने जाएंगे उसका उल्टा असर होगा। आग पानी से सावधानी रखें। 7 तारीख को समय अनुकूल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 8 अगस्त से 15 अगस्त तक की। दिनांक 8 को सम्मुख चंद्रमा सुखदायक रहेगा, आप किसी त्योहार विशेष की तैयारी में लगे रहेंगे। संतान की सगाई संबंधी बात आगे बढ़ेगी। 9, 10, 11 तारीख को समय सामान्य फलप्रद है, परिवार का आपका ध्यान केंद्रित होगा, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आप में चुंबकीय खिंचाव होगा। व्यवसाय में विज्ञापन आदि का सहारा लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 12 और 13 तारीख को धन प्रदायक दिवस रहेगा, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, अपने माता पिता व पितरों के प्रति विशेष आदर भाव रखेंगे, वे भी आज अपना विशेष प्यार और आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। समय संबंधों को सुधारने वाला है, आपका इस पर विशेष जोर रहेगा। 14-15 को समय सही नहीं है, दुर्घटना घटित होने का योग है, आप वाहन से गिर सकते हैं, आपकी मानहानि हो सकती है, आर्थिक पक्ष डामाडोल रहेगा। अब बात कर लेते हैं 16 अगस्त से 23 अगस्त तक। दिनांक 16 को आधा दिन ठीक नहीं है, पश्चात 18 तारीख स्थितियां सामान्य रहेंगी, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका रुझान रहेगा, वह सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। कैरियर के प्रति संजीदगी रखेंगे, लोगों के साथ आपका तालमेल मुश्किल से बढ़ेगा। 19, 20, 21 को समय सुख संपत्तिदायक रहेगा, घर में आप सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, व्यापार व कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करेंगे, आप सही निर्णय लेंगे जिससे परिणाम पक्ष में आएंगे। भूमि भवन जायदाद और संपत्ति संबंधी काबिलियत का उपयोग व इस्तेमाल करके आप अपनी आय और आजीविका में बढ़ोतरी करेंगे। 22-23 तारीख को शांति प्रदायक दिवस रहेगा। अब बात कर लेते हैं 24 अगस्त से 31 अगस्त तक। दिनांक 24-25 को समय गति विपरीत रहेगी, आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, घर बिन बुलाए मेहमानों की आवाजाही से आप परेशान हो उठेंगे, कोई आपका अपमान भी कर सकता है, आपको सचेत रहना होगा। 26-27-28 को सरकारी अधिकारियों की तरफ से सहयोग मिलेगा, बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे, आप परिवार में अपने अनुभव के आधार पर सलाह मशवरा करेंगे। 29-30 को समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आप किसी विशेष शख्सियत का इंतजार करेंगे, आप जिस चीज़ की कल्पना कर रहे थे वह इस वक्त हासिल कर लेंगे। 31 को समय बेहतरीन रहेगा, आप प्रसन्नचित रहेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महीने की शुभता बढ़ाने के लिए बजरंगबली की उपासना करें,
हनुमान चालीसा का पाठ करें। मूंगा तीन धातु में चढ़वाकर अनाम का उंगली में धारण करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें तथा एक मिट्टी का चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं, विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बजरंग बाबा जी से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके सवाल बालाजी दरबार। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बजरंग बाबा जी से जुड़ सकते हैं।